अरे भैया से चल गए, अरे छोड़ी के मंत्री जी, अरे जहिया से चल गए, अरे छोड़ी के मंत्री जी, अरे जिंदगी भर किसान हो जन तक से हमें गुजारी थी जिंदगी, जन तक से हमें गुजारी थी जिंदगी, मंत्री जी ऐसे इंसान चाहते हैं, सबको आप आशीर्वाद देने का काम करिएगा। माननीय राष्ट्रध्यक्ष जी,
और निश्चित तौर पे आपने पहले भी लोगों का कल्याण किया है, आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल को बदलने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो साथी चेयरमैन साहब कमर भाई सारी अली जी, तो मैं पांडे जी प्रतिभा सिंह जी तुम्हें केंद्र जी अगर बुके देना चाहते हो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो हजार सोम्य जी जो पत्रकार अब बिना देर किए अब बिना देर किए हम भाई सूरज सिंह जी से गुजारिश करेंगे, भाई सूरज सिंह जी, कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस श्रद्धांजलि संकल्प कार्यक्रम में स्वागत करिए भाई सूरज सिंह जी। साथियों डॉक्टर सुनील सिंह जी सड़क हॉस्पिटल लखनऊ बुके देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर सुनील सिंह जी। अच्छा कृपया शांत हो जाए आप सब, एक बार सब शांत हो जाए। एक बार देखिए यहां पे आज के श्रद्धांजलि संकल्प सभा में मंच पर उपस्थित लाखों करोड़ों छात्रों, नौजवानों, गरीबों, मजलूमों, किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, व्यापारियों के नेता, हम सबके आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर साहब का मैं अपने पिता स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों आज मैं और मेरा पूरा परिवार कृतज्ञ है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि आपने इस सभा में पहुंचकर सिर्फ हमारे परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे जनपद को, पूरे देवीपाटन मंडल को, पूरे प्रदेश को एक संदेश देने का काम किया कि पंडित सिंह जी ने 30 साल से समाजवादी पार्टी की सेवा की थी, तो आप भी उनके परिवार के साथ में वैसे ही लगे हैं जैसे माननीय पंडित सिंह जी लगे हुए थे। साथियों मैं आज निश्चित रूप से बहुत भावुक हूं और मैं बहुत कृतज्ञ हूं, अभिभूत हूं कि जब ऐसी प्रतिकूल स्थिति है, जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा था, अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते तो एक कह देते सूरज हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन मेरा पूरा परिवार पढ़ता था, मैं क्लास फिफ्थ में पढ़ता था, तो
बना हुआ था, उन्नीस को जो हमको लगी, उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर भेजा उन्होंने। मैं कहता हूं कि हम लोग आपके साथ दिल से जुड़े हैं, हमारे परिवार में समाजवादी खून है, मुलायम सिंह का खून है, आदरणीय अखिलेश भैया का खून है, और आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, जीते मरते हैं जीवन भर परिवार से तन मन धन से पार्टी की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से लगा रहूंगा, पूरा परिवार आपके साथ है। आज आपने यहाँ के बहुत सम्मान बढ़ा लिया, जनसभा कैंसिल हुई तो लगा के हम बच जाएंगे, हमारे आपके बीच में है, हम आपसे निवेदन करें कि आइए अब इस जनता जनार्दन को आशीर्वाद देने का काम करिए, माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि देने का काम करिए, माननीय प्रोफेसर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, पत्रकार बंधु, मैं इस अवसर पर स्वर्गीय पंडित सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजनीति में व्यक्ति की जो निष्ठा होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, और मैं समझता हूं पंडित सिंह जी पार्टी के 100% निष्ठा मान सकते हैं, उनके जाने से और काम हुआ है, हम सब 22 का इंतजार कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए और गोंडा से और इस मंडल से ज्यादा सीटें और अधिकतम सीटें समाजवादी पार्टी को पक्ष में करें, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि होगी जो जीवन भर पार्टी को समर्थन रहा, निष्ठावान रहा। एक आपसे प्रार्थना और है कि आप समाजवादी पार्टी को आप बड़े पैमाने पाए हैं, आशीर्वाद दी है दैनी उनके प्रत्याशियों को, जो भी प्रत्याशी है, मैं जानता हूं कि एक क्षेत्र से कई लोग प्रत्याशी होते हैं, आवेदन करने वाले होते हैं, चुप होते नहीं, टिकट कोई नहीं था, जिसको पार्टी टिकट दे उसको जिताइए, और जो नहीं मिल पाते हैं, जो सरकार बनती है तो सरकार के पास इतने नहीं होते हैं कि उन सबको कहीं ना कहीं समायोजित कर लेती है, इसलिए किसी को जिसको न मिले टिकट को कभी निराश न हो, सत्ता में पहुंचाइए, जिताइए लोगों को अपने उम्मीदवार को, तो जो वंचित रहेंगे टिकट से उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लिया जाता है। इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े तमाम पद हैं कि हजारों लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं, इसलिए ये निराश न हो, जब टिकट मिले जिसको मिले उसको जिताइए, और पंडित जी के बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हाथ उठाए कहिए कि जीवन भर उनका साथ देंगे। बहुत 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 धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मेरा माननीय प्रोफेसर साहब साथियों बिना देने के लिए आप जिसको सुनने के लिए आए हैं, आप हम सीधे अपने महबूब नेता और जिन पे टकरी लगा के हमारे लाखों नौजवान सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं, परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री 2022 में होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय परम आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव से गुजारिश है कि हम कार्यकर्ताओं को संबोधित करिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष Thank you.
सिस्टम में मुख्यमंत्री हैं। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी, विधानसभा में रहे पूर्व में अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष पप्पू यादव जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, महेश सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, महफूज खान साहब, वैजनाथ दुबे जी, नंदिता शुक्ला जी, रणविजय सिंह जी, कमरुद्दीन कमर साहब, रमेश गौतम जी, राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्रीमती कमलेश रंजन जी, अभय सिंह जी, डॉक्टर एस पी यादव जी, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, डॉक्टर अश्विनी सिंह जी, योगेश प्रताप जी, साबिर अली साहब, सरफराज सोनू जी और संचालन कर रहे राजेश दीक्षित जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक सूरज सिंह जी, और यहां पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनें नौजवान साथी पत्रकार बंधु, आज हम और आप सब मिलकर के हमारे बीच में स्वर्गीय पंडित सिंह जी नहीं रहे, उन्हें याद कर रहे हैं। यहां जितने लोग भी बैठे हैं मंच पर और सभा में, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कंधे से कंधे मिलाकर के पंडित सिंह जी के साथ काम न किया हो। हम और आप लोग चाहे नाम भूल जाएं जो यहां मौजूद हैं, लेकिन पंडित सिंह जी ऐसे नेता थे जो हर एक कार्यकर्ता और अपने साथी को नाम से और पहचानते थे। उसे लगातार जीवन भर आपके बीच में और लगातार अपना पूरा जीवन उन्होंने आपके और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में गुजार दिया। मुझे याद है वो समय जब पहली बार मैं यहां पर क्रांति रथ लेकर के आया था और गोंडा जिला इतना बड़ा नहीं हुआ था, ना शहर इतना बड़ा था। मैंने कहा कि मैं पहली बार गोंडा जा रहा हूं। उस समय नेताजी ने कहा कि आप चिंता मत करना, हो पंडित सिंह ये हैं और ऐसा साथी है समाजवादी पार्टी का जो पूरा ध्यान रखेगा। जब मैं क्रांति रथ लेकर के यहां आया, पुराने साथी जानते होंगे, पुराने यहां समाजवादी साथी मौजूद होंगे वो जानते होंगे, जब मैं क्रांति रथ लेकर के आया पीडब्ल्यू के वहां पर पहुंचा था मैं, और जब मैंने अंदर देखा तो कहीं भी खिड़की पे कहीं शीशे नहीं थे। पीडब्ल्यूई का जो स्थान था वो रहने लायक नहीं था। उसी समय पंडित जी ने कहा कि आप आए जरूर हो, लेकिन गोंडा में कोई सरकारी ऐसी जगह नहीं जहां पर अच्छी तरह रह सको। उन्होंने उसी समय मुझे अपने घर लाकर के रुकाने का काम किया। मुझे याद है जब रथ में पहली बार आया था तो पंडित जी ने अपने घर लेकर के मुझे रुकाने का काम किया, और लगातार मैंने उन्हें शुरुआत जब राजनीति की मैंने की थी तब से मैं देख रहा हूं। वो ऐसे साहसी व्यक्तित्व के नेता थे, वो किसी से भी टकरा सकते थे, और अगर उन्हें कभी किसी से मुकाबला भी करना पड़ा होगा तो पंडित जी जैसा नेता पीछे नहीं हटा, सामने खड़े होकर के मुकाबला किया। उनकी बातचीत करने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका किसी को निराश नहीं करता था, कोई दुखी नहीं होता था। और मुझे याद है कभी कभी वो सख्त भी बोल देते थे, बहुत सख्त बोल देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथी उनका बुरा नहीं मानते थे। अगर उन्हें सख्त बोलना पड़ा तो वो सख्त भी बोल करके काम निकालने का काम अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया। अगर कोई लोकप्रिय नेता यहां का है, मैंने कई बार गोंडा आकर के आपके बीच में कार्यक्रम किया है, पंडित सिंह जी इतना लोकप्रिय नेता हमें कोई दिखाई नहीं दिया जितना वो नेता हमारे लोकप्रिय थे। और सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय एक बार कोई ऐसी बात हो गई थी जब मुझे मंत्री पद से हटाना पड़ा था, तो मैंने कहा इतने बड़े नेता हैं, इनको कैसे मंत्री पद से हटाएं। नेताजी ने कहा कि ये अपने परिवार का सदस्य है, अगर हटा भी दोगे तो बुरा नहीं मानेंगे। और मुझे याद है कि मैंने उन्हें हटाया और जैसे ही मामला रफा दफा हुआ वो पुणे मंत्री बनाए गए। आज हम दुखी हैं और उनके परिवार के लोग आज सब इकट्ठे हैं। हम इस बात का दुख है कि हमें और आपको नहीं पता था कि इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। कभी किसी को नहीं पता होता है कि कब कौन चला जाएगा, लेकिन आज यादें उनकी हमारे साथ हैं, उनका काम हमारे साथ है, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया समाजवादियों का, वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम गोंडा के लोग मिलकर के जो रास्ता पंडित सिंह जी ने बनाया उस रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी को एक बार फिर मजबूत बनाने का काम किया। सूरज यहां पर है, सूरज सिंह यहां है, इन्होंने देखा है और इनके परिवार के सदस्यों ने देखा कि जब बीमार हुए तो क्या नहीं करना पड़ा। जहां इलाज करा सकते थे वहां इलाज कराने के लिए लेकर के गए। उन्हें अगर सरकारी अस्पताल लोहिया में इलाज हो सकता था लोहिया में लेकर गए, अगर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर के इलाज अच्छा हो सकता था वहां भी इलाज कराया। एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल से तीसरा अस्पताल, और एक समय ऐसा आया कि उन्हें इतनी जरूरत थी दवाइयों की और जो मशीनें होती हैं आखिरी वक्त पर जिस मशीनों से सांस दिलाई जा सकती है। हम लोगों ने भी संपर्क किया, सूरज लगातार संपर्क करते रहे, और एक समय ऐसा आया कि शायद उन्हें लखनऊ से दिल्ली या हैदराबाद या किसी बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ सकता है। सब तैयारी कर ली, एक आखिरी रास्ता वही था कि अगर हम लंग्स को ट्रांसफर करा दें या लंग्स को हम बदलवा दें या मशीन से चला दें तो संभव था उनका जीवन। लेकिन भगवान की यही इच्छा थी कि हम और सब परिवार के लोग जो कुछ कर सकते थे वो करते रहे। उन्हें पैसे की परवाह नहीं थी, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी, केवल उन्हें चिंता इस बात की थी कि पंडित सिंह जी का इलाज कहीं भी हो जाए, कहीं भी उनके लंग्स बच जाए, उनका जीवन बच जाए, यही पूरा परिवार, यही सूरज दिन रात सुबह शाम यही चिंता में डूबे थे। लेकिन भगवान की इच्छा ऐसी थी कि हम लोग नहीं बचा पाए। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जीवन भर गरीबों के लिए लड़ते रहे, आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। इसलिए एक होकर के इस बार उनका साथ देना और उनके बताए हुए रास्ते पर एक बार पुनः समाजवादी पार्टी को यहां से ऐतिहासिक जीत देना है। मुझे आपके बीच में रथ के कार्यक्रम से जाना था, मुझे आपके बीच में रथ के कार्यक्रम से जाना था, लेकिन रथ का कार्यक्रम संभव नहीं था। इधर सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बीमारी को दोबारा देखते हुए सभी कार्यक्रमों को निरस्त किया है और आगे फैसला लिया है कि जब इलेक्शन कमीशन अपना प्रोटोकॉल और नियम बना देगा तब जाकर के कार्यक्रम करेंगे, इसीलिए रथ का कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह की बीमारी है पता नहीं कब किसके साथ आ जाएगी। कभी कभी लगता है कि बीमारी है और कभी कभी लगता है कि पता नहीं बीमारी किस रूप में है, और फिर एक माहौल बनाया कि बीमारी आ गई है। अगर ये बीमारी आ गई तो हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनों को खोया है। ये सही बात है कि सबको बीमारी नहीं हो रही, लेकिन कई बार ये भी है कि अगर बीमारी आ गई तो इसका इलाज नहीं है। जिस समय ये नई नई बीमारी आई थी लोगों को और डॉक्टरों को नहीं पता था, पूरे देश के डॉक्टर सब प्रयास कर रहे थे कि कैसे इस बीमारी से लड़ा जाए। उस समय भी जो इलाज मिल रहा था कभी कोई दवाई खानी पड़ रही थी, कभी दूसरी दवाई खानी पड़ रही थी, तब जाकर के हम लोग अपना इलाज करा पाए हैं। और एक समय ऐसा देखा हम लोगों ने जिस समय लॉकडाउन लगा पूरे देश के हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए। गोंडा में भी आपको पता होगा न जाने कितने मजदूर भाई पैदल चल करके आए,
बगल के जिले के बहराइच के लोगों को पता होगा, फैजाबाद के लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के समय पर उन्हें जहां कहीं भी थे सरकार ने अनाज छोड़ दिया, वो पैदल पैदल चलकर के अपने घर पहुंचे। कोई 400 किलोमीटर चल के आया, कोई 500 किलोमीटर चल के आया, कोई 1000 किलोमीटर चल के आया, कोई अपने इंतजाम से आया, कोई ट्रकों पर बैठ करके आया, और कई ऐसे लोग भी हैं जो साइकिल चला चला करके अपने घर पहुंचे थे। उस समय जब सरकार को मदद करनी चाहिए थी, तब भी सरकार ने मजदूरों की मदद नहीं की, उन्हें अनाज छोड़ दिया। और हम जानते हैं कि कई ऐसे हमारे मजदूर भाई वो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई, किसी सरकार ने उनकी मदद नहीं की। अगर कोई मदद करने के लिए आगे आया तो वो समाजवादी लोग थे जो आगे आकर के मजदूर भाइयों के परिवार की मदद करने के लिए, उन परिवारों की मदद हुई है समाजवादियों ने की। और यह बहुत सारे समाजवादी लोग हैं जिन्होंने खाना बांट करके, अनाज बांट करके, राशन बांट करके, उस समय जब सरकार को मदद करना चाहिए था नहीं मदद की, हमारे अपने समाजवादियों ने और बहुत सारी एनजीओ संस्थाओं ने मदद की। और जब बीमारी आई तो लोग भागते रहे अस्पताल के लिए, बिस्तर के लिए, दवाई के लिए और ऑक्सीजन के लिए। हमें पता है कि बहुत सारी रिपोर्टें जो पड़ी हैं उन रिपोर्टों में यह है कि अगर ऑक्सीजन समय पर मिल गई होती तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। समय पर ऑक्सीजन मिल जाती तो जान बच जाती, लेकिन ये सरकार जो दवाई नहीं दे पाई, बिस्तर नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली गई। आप स्वीकार नहीं कर रही सरकार इस बात को, आज सरकार ये भी नहीं कह रही कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान गई। आज सरकार इस बात का भी नहीं स्वीकार कर रही कि हमारे किसानों का, गरीबों का और व्यापारियों का कितना नुकसान हुआ कोरोना के समय पर, बीमारी के समय पर आज भी स्वीकार नहीं कर रही। सरकार ये भी नहीं स्वीकार कर रही है कि जिस तरीके से बीमारी आई बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी और रोजगार छूट गए, कोई सरकार स्वीकार करने वाली नहीं है। और गिनती भी नहीं बता रही है। अभी जो विज्ञापन आ रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन, अभी किसी सरकार ने ऐसे विज्ञापन नहीं दिए होंगे, झूठे विज्ञापन, जितने इस सरकार ने झूठे विज्ञापन दिए। अगर अखबार उठाकर के देखें तो जितने विज्ञापन आ रहे हैं सब झूठे विज्ञापन हैं, एक भी विज्ञापन सच्चाई का नहीं है। और अब तो ये स्तर आ गया है भारतीय जनता पार्टी का, इतना घबरा गए हैं वो समाजवादियों से, इतना घबरा गए हैं कि सरकारी पैसे से भी लाल टोपी पहन के विज्ञापन आ रहा है। ये इतने घबराए हुए हैं, इतना घबरा गए कि बताइए विज्ञापन में भी लाल टोपी पहन के आ रहे। और वो तस्वीरें कौन भूल सकता है बताओ, सबसे तस्वीरें देखी होंगी वो मां गंगा की, कितनी लाशें वहां बह रही थी। कोई ऐसा नहीं होगा जिसने वो तस्वीरें नहीं देखी हो, गाजीपुर से लेकर के उन्नाव तक और कन्नौज तक लगातार गंगा के किनारे वो तस्वीरें आई थी जिसमें लाशें बह रही थी, हजारों हजार संख्या में लोगों की जान गई। ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई, ये सरकार कह रही थी कि हम लकड़ी दाह संस्कार के लिए दे देंगे, लेकिन ये लकड़ी भी स्वीकार नहीं दे पाई। तो जो सरकार दाह संस्कार न करा पा रही है, जो सरकार ऑक्सीजन न दे पा रही है, जो ऑक्सीजन के साथ साथ दवाइयां या बिस्तर न दे पा रही है, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे। और अभी सुनने में आया कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है, गोंडा में भी होगा मेडिकल कॉलेज उद्घाटन नहीं होगा, मेडिकल कॉलेज अभी शिलान्यास किया है, जो समाजवादियों के समय का अस्पताल बना था, जो समाजवादियों के समय अस्पताल बना था वही मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और जो आखिरी समय पर शिलान्यास करता है वो केवल शिलान्यास करता है, मेडिकल कॉलेज
क्योंकि पंडित सिंह जी के हम याद कर रहे हैं, इसलिए आपको भरोसा दिलाते हैं, इसलिए आपको भरोसा दिलाते हैं। बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, जो बीजेपी काम करती है उनका काम करने का तरीका तो आपने देख लिया होगा। ये सड़क हमने बनाई थी समाजवादी सरकार ने, ये जो आपकी फोर लेन सड़क है, ये जो कर्नैलगंज होकर के आपको गोंडा को जोड़ रही है, जयवल और गोंडा सड़क, ये मैंने दी थी और इसलिए दी थी क्योंकि उस समय की जो सरकार थी उस समय मैंने मांग की थी कि जो बाराबंकी से लेकर के नानपारा तक सड़क है, जो आप डबल लेन पेज शोल्डर सड़क बना रहे हो, इस सड़क को मैं फोर लेन बनाना चाहता हूं। लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने वो बात नहीं मानी कि हम फोर लेन नहीं बना सकते। जब उन्होंने स्वीकार नहीं की तब समाजवादी सरकार थी तो उसी समय फैसला लिया कि चाहे हमें बहराइच से श्रावस्ती फोर लेन बनानी पड़े और आपके बीच में चाहे फोर लेन बनानी पड़े तो समाजवादी सरकार ने फोर लेन बनाने का काम किया। और सड़क के बीच में देखा कौन सा डिवाइडर थे, जब से मैं लखनऊ से चला हूं, जब से मैं लखनऊ से चला हूं और जहां मुझे डिवाइडर दिखा, डिवाइडर पे अगर कोई हमें दिखाई दिया है लखनऊ से लेकर के आपके बीच में आया हूं, हमें साढ़ी स्थान दिखाई दी है। डिवाइडर से सांड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और अगर कोई हमारा यकीन नहीं करे पत्रकार साथी तो गाड़ी उठाए और दोबारा इधर से वापिस चला जाए लखनऊ, अपने आप देख लेना डिवाइडर पे कौन बैठा है। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी बताओ? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? हमारे किसान भाई भी यहां मौजूद हैं, हमारे किसान भाई हैं, बताओ खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? और अगर खाद मिली भी होगी तो आपकी डोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और बहुत बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं, वैसे तो उनके विज्ञापन हम लोगों ने आप लोगों ने देख लिए। जब बीजेपी के लोगों को कोई कारखाना दिखाना था तो अमेरिका का कारखाने दिखाए होंगे, जब कोई फ्लाईओवर दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखाया, जब आप हवाई अड्डे की तस्वीर दिखानी थी तो चीन का हवाई अड्डा दिखाया। इनके विज्ञापन झूठे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने कारखाने लगवा दिए। बताओ गोंडा के हमारे मेहमान भाइयों, कहां पे कारखाना लगाया आपने? कोई कारखाना लगा हो तो बताओ। इस डबल इंजन की सरकार ने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, और टीवी पर प्रचार कर रहे हैं, टीवी पर प्रचार कर रहे हैं, अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हमने 5,000 नौकरी दे दी सरकारी, 1 करोड़ रोजगार दे दिए कारखाने लगने के बाद, 2 करोड़ रोजगार दे दिए। तो बताइए 3,05,00,000 रोजगार और नौकरी में गोंडा के नौजवानों को कितनी नौकरी मिली है बता दो? और इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट और लैपटॉप भी देखने लगे हैं, अभी बांट रहे हैं, गोंडा के कितने लोगों को मिल गया है? किसी को मिल गया हो तो बताओ आप। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में, क्योंकि आप सब जानते हो जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, जिस समय समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई आज भी एम्बुलेंस सड़कों पर दिखाई देती होंगी, चाहे पुलिस कवाड़ा हो गई हो, चाहे पुलिस कवाड़ा हो गई हो, लेकिन जो 100 नंबर वाली गाड़ी 112 अगर किसी ने चलाई थी तो समाजवादी लोगों ने चलाने का काम किया।
दिखाई दे रही है। और उस समय जो लैपटॉप दिए थे, वो आज भी जिसके पास होंगे वो चल रहे होंगे। और यहां पर जितने खड़े लोग होंगे, ये अलग बात है कि वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन जितने लोग होंगे सब जियो पे चल रहे होंगे, जियो पर, जियो नेटवर्क पे चल रहे होंगे। अगर किसी ने उस समय बिछाया था तो समाजवादी लोग थे, जिसकी वजह से ऐसा अच्छा नेटवर्क बिछने का काम हुआ। और समाजवादी ने जो लैपटॉप दिया था वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। इसलिए मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हमें अपने सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। ये हमारे गरीबों को बिजली का बिल बहुत आ रहा है, जब बिल आता है तो बताओ करंट लग रहा है कि नहीं, ये लग रहा है बिल्कुल। और कई बार मुकदमे भी लग जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं आपको। जब 300 यूनिट फ्री हो जाएगी तो मुकदमा भी नहीं है, न केस है आपके ऊपर। तो बताओ 300 यूनिट चाहते हो, यूनिट फ्री करनी चाहते हो? ये बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा। और जब समझ में नहीं आ रहा तो सुनने में आ रहा कि सरकारी ट्यूबवेल और प्राइवेट ट्यूबवेल पे तुम बिजली का बिल कम किया है। सुनने में आया कि तुम बिजली का बिल कम किया है, कहा कि आगा करेंगे। लेकिन समाजवादी लोगों ने कहा है कि किसानों की बिजली जो सिंचाई वाली होगी वो माफ होगी, उन्हें बिल नहीं देना पड़ेगा। इसलिए आज जब हम लोग चुनाव के बिल्कुल करीब खड़े हैं, चुनाव कभी भी हो सकता है, तारीखें आ रही हैं, चुनाव की तारीखें कभी भी आ सकती हैं, बिल्कुल करीब है चुनाव, इसलिए मैं आपसे अपील करके जा रहा हूं। जब पंडित सिंह ने शेप को बनाने का काम किया, मेहनत करके जोड़ने का काम किया, तो इस शेप में और आसपास समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। बताओ ऐतिहासिक जीत दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? और मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, जो ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसको चाहे हमें लखनऊ के बराबर मेडिकल कॉलेज बनाना पड़े, समाजवादी सरकार बनेगी तो मेडिकल कॉलेज में हमारे गरीबों के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, पूरा का पूरा इलाज फ्री होगा। और जो लखनऊ में इलाज मिलता है वो हमारे गोंडा के मेडिकल कॉलेज में समाजवादी सरकार में वो इलाज गरीबों को दिलाने का काम करेगा। इस सरकार ने बताओ अभी तक सीवर नहीं बनवा पाया, ये जो पानी है गंदा वो कहां से जाए? समाजवादी सरकार बनेगी तो सीवर लाइन भी बनाने का काम करेंगे। और अगर ट्रैफिक के लिए यहां के लोगों के आने जाने के लिए अगर रिंग रोड बनानी पड़ेगी तो रिंग रोड भी बनाएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि आज समय बदला है, हमारे नौजवान जानते होंगे, जो लोग थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो जानते हैं कि समय बदला है। और समय बदलते हुए हमें अपनी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत बदलनी पड़ेगी। आज ये नौजवान अगर चाहे तो मोबाइल से जानकारी के साथ साथ कुछ भी मंगाना चाहेंगे, कुछ भी व्यापार करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। इसलिए अगर पढ़ाई के लिए हमें अगर नया भी विश्वविद्यालय देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में विश्वविद्यालय बनाने का काम हम लोग बनाना चाहेंगे, जिससे यहाँ पर पढ़ाई और समय के हिसाब से बिल्कुल उसकी पढ़ाई होनी चाहिए वो पूरी हो सके। हमारे आदमी माधव दास पांडे जी जानते होंगे, यूनिवर्सिटी बी थी वहां, जितनी समाजवादी सरकार ने बनाई उतनी ही कमी है, उसके आगे बजट नहीं दिया गया, अभी तक आधी यूनिवर्सिटी बनी खड़ी है। साथ ही साथ हमारे किसानों की कोई मदद सरकार ने नहीं की, इस सरकार ने किसानों की मदद नहीं की। और जिस तरीके से महंगाई के कारण हमारे किसानों की कमाई आधी हो गई, इस महंगाई में किसानों की कमाई आधी हो गई,
खुशहाल नहीं हुआ है। ये सरकार लखनऊ और दिल्ली में दावा करती है कि किसानों के गन्ने का पूरा भुगतान हो गया, लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ है। हम अपने किसान भाइयों को कहते जा रहे हैं कि चीनी मिलों का पूरा भुगतान समय से कराने का काम शिक्षा मित्र हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन वाले हमें धरने पर भी मिले थे और बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र और टीटी बीएड वाले हैं। आपकी कोई समस्या का समाधान कर सकता तो वह समाजवादी पार्टी, ये दूसरे लोग नहीं कर सकते। इन्होंने हर नौकरी को उलझाया है, हर नौकरी इनकी उलझी है। ये जो परीक्षा देने वाले लोग जानते होंगे, बताओ हर परीक्षा उलझाई कि नहीं उलझाई है? कोई परीक्षा इनकी पूरी नहीं हुई, पेपर तो रद्द किए और कई बार पेपर आउट हो गया। कौन रद्द करा रहा है? सरकार रद्द कर रही है। पेपर आउट कौन करा रहा है? सरकार करा रही है। और इसलिए करा रही है कि नौजवानों को हमें नौकरी न देनी पड़ जाए। इसलिए चाहे टेट वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे आंगनबाड़ी हों, इनके लिए राशन निकालने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। आप समाजवादियों की मदद करें, सहयोग करें और आने वाले समय में परिवर्तन करने का काम करें, बदलाव लाने का काम करें। और समाजवादी पार्टी को चुनाव से जीत दिलाओ, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। और बहुत बहुत धन्यवाद।